आपके साथ। पूर्णिया के अमौर प्रखंड क्षेत्र में कनकई, महानंदा, परवान और दास नदियों सहित सहायक नदियां उफान पर है। प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का असर दिखने लगा है, साथ ही साथ बाढ़ के कटाव भी शुरू हो गए हैं। कनकई नदी के कहर से दर्जनों गांव कटाव की चपेट में आ गए हैं। ग्यांडो पंचायत के सिमलबारी नगरा टोला वार्ड नंबर 3 में करीब 1.5 दर्जन परिवारों के घर नदी में विलीन हो गए हैं। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वार्ड सदस्य ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही अंचलाधिकारी को सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इस मौके पर AIMIM के नेता शाहबुज़्ज़मां और फ्लड्डू ने बताया कि वर्षों से इस क्षेत्र के लोग कनकई नदी के कटाव से परेशान हाल हैं और बार बार प्रत्येक वर्ष घर तोड़ना फिर दूसरे जगह बनाना इन लोगों की नियति बन चुकी है। सरकार के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों की दोहरी नीति के कारण यहाँ की आवाम परेशान है। आम आवाम को अनदेखा किया जाता है। जिला प्रशासन से तत्काल कटाव प्रभावित परिवारों को राहत मुहैया कराने की मांग की गई है। दूरी और होटल में प्लेट धो धो के लोग घर बनाते हैं और देखिए 2 दिन के अंदर में घर तोड़ करके उनको कहाँ जाना। कौन सा नदी का किनारा है ये नदी? कनकई नदी है। कौन सा जगह है? सिमलबारी नगरा टोला है। सिमलबारी नगरा टोला। तो कितने घर कटे होंगे यहाँ पे? हमको लगता है कि कम से कम 300-400 घर यहाँ पर जो है उजड़ गया। ये 2-4 बड़ा पक्का का मकान देखिए, लोगों को घर तोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कोई सहयोग? कोई सहयोग अभी तक नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई देख है, ना कोई किसी तरह का कोई मदद है, आर्थिक मदद या खाने पीने का भी हमको लगता है मुहैया कुछ नहीं कराया है। ये लोग कहाँ अभी बसे हैं? ये लोग जहाँ से जो प्लान कोई अमोर में होगा, कोई स्कूल कहीं अमोर में होगा, कोई स्कूल में होगा, कहीं पर होगा अपना, जैसे यहाँ खाना बदोश जिंदगी होता है इसी तरह 6 महीना काटेगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो सीमांचल का क्षेत्र है उसमें अमोर बैसा खास तौर से इसमें 3-4 नदियां जो है बुरी तरह लोगों को तबाह कर रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों साइड में इसको जो है बांध का निर्माण किया जाए और इस नदी का जो हमेशा से ये तांडव रहा है इसको रोकने का अथक प्रयास किया जाए। प्रयास ही इंसान को कामयाब कर सकता है।